हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने प्रसाद क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी 3 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो जगह प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे सारे पर्सनालिटी का सलूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से आप क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया है, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 दिया है। दोस्तों इसके बाद हम यही बात लिखेंगे कि यहाँ अचर पद ये होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसके साथ एक्स वाई ना लगा हो वही अचर पद होता है, यानी कि जो डिजिट में सिर्फ होता है उसके साथ कोई दूसरा अल्फाबेट ना लगा हो वह होता है अचर पद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए अचर पद क्या है, 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 4 होगा और प्लस माइनस 5 होगा और प्लस माइनस 6 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अचर पद यानी कि 6 प्लस माइनस 1 से लेकर 6 तक का डिजिट रखते हैं, रखने के बाद जो डिजिट रखने के बाद यह 0 आएगा वही हमारा क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, माना कि यहाँ वाई में क्वेश्चन है तो पी वाई कर देंगे और y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम करेंगे क्या, एक बार 1 रखेंगे प्लस में, फिर एक बार माइनस में 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, फिर माइनस में 2 रखेंगे, यानी कि जो डिजिट रखने के बाद जो 0 आएगा वही हमारा क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं क्या, 1 रख कर देख ले रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर दो बार, तो 1 माइनस 5 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, ये 0 नहीं आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 1 रख कर देखेंगे, तो यहाँ पर माइनस 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर और 5 गुना माइनस 1 प्लस 6, ये हमारा क्या होगा, 1 को दो बार करेंगे तो 1 प्लस में और ये माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 6, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये भी रखने पर 0 नहीं आया। उसके बाद हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रख कर देख लेंगे, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 5 गुना 2 प्लस 6, तो 2 का दो बार करेंगे तो 4 और माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, 6 4 10, यानी कि हमारा क्या आ गया, 10 माइनस 10 यानी कि एक हमारा शून्य आ गया। हमें क्या करना है, 2 निकालना, तो एक तो निकल गया हमारा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस 2 रख कर देख लेंगे, तो माइनस 2 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना माइनस 2 प्लस 6, ये तो प्लस में हो जाएगा, दुगनी का 4 और ये माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 रखने पर माइनस नहीं आया, 0, तो हम क्या करेंगे, अब 3 रख कर देख लेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वाई के जगह पर 3 रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस 6, तो यहाँ पर होगा 3 को दो बार गुना करेंगे, स्क्वायर मतलब दो बार, यानी कि 3 गुने 3 यानी 3 के 9 और ये माइनस से तो माइनस बनते हैं 15 और प्लस 6, तो 9 6 15 माइनस 15 यानी कि हमारा क्या आया, 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 0 आ गया, यानी कि क्या रखने पर 0 आया, 3 रखने पर 0 आया और एक क्या रखने पर 0 आया, तो 1 2 रखने पर 0 आया, यानी कि आपका ये 2, यानी कि एक बार 2 रखे हैं तब 0 आया, एक बार 3 रखे हैं तब जाकर 0 आया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड हमारा वही होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा प्लस में 2 रखे हैं तो हमारा क्या, प्लस में रखे हैं तो माइनस में होगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड ये वाई माइनस 2 होगा और एक हम 3 रखे हैं प्लस में, तो ये भी हमारा होगा वाई माइनस 3, ये यानी कि हमारा 2 गुणनखंड यही होगा आपका आंसर। इसके नीचे आप लिखिएगा वह दोनों कैसे, यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस यहाँ पर क्यों रखें, देखिए अगर हम इसको 0 को बराबर करते हैं तो प्लस माइनस में तो इधर आएगा 2, यानी कि यही तो 2y का मान हम यहाँ पर रखे तभी तो जाकर हमारा 0 आया है। उसी तरह हम यहाँ इसको 0 को बराबर करेंगे तो y बराबर 3 यानी कि प्लस में 3, यानी कि y का मान हम 3 रखे हैं प्लस में तभी तो जाकर हमारा 0 आया है, तो जब इसको हम गुणनखंड के रूप में लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस के रूप में लिखेंगे और माइनस होगा तो प्लस के रूप में लिखेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई माइनस 2 और वाई माइनस 3 आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा, 3 थोड़ा अलग है इसलिए हम 3 आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वह क्वेश्चन आपका अपवाद क्वेश्चन है, वह इस सूत्र पर आपका नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसको हम बनाएंगे पहला गुना तीसरा वाला सूत्र पर बनाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि क्या दिया है, 6x² + 17x + 5 दिया है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला गुना तीसरा करेंगे तो 6 5 3
एक्स स्क्वायर। अब इसको दो भाग में तोड़िए, ठीक है दोस्तों, कि जोड़ने पर क्या आ जाए 17 और गुणा करने पर 30, तो 15 दो 30, 15 x और 2 x, 15 दो 17 और दोनों प्लस में रहेगा, गुणा करना प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर 6 x² प्लस 15 x प्लस 2 x प्लस 5, तो इसमें से कॉमन हम कर लेंगे तो 3 x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 x बचेगा, और इसमें से कॉमन लेंगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे तो 2 x प्लस 5, इसको और इसको हम लिखते हैं तो 3 x प्लस 1 और आपको हो जाएगा 2 x प्लस 5, आपका दो गुणनखंड ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको इस सूत्र पर बनेगा, और ये दोनों जो आपको पहला सूत्र बताया था उस पर आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जी दोस्तों।